दुनिया के सबसे तटस्थ और प्राचीनतम तम से तम प्राचीन अत्यंत प्राचीनतम अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो वेद है। ये वेद किसी ऋषि ने नहीं बनाए, मुनि ने नहीं बनाए, पैगंबर ने नहीं बनाए, ईश्वर के बेटे ने नहीं बनाए, ईश्वर कृष्ण और राम ने नहीं बनाए, अपितु राम और कृष्ण इनके अनुसार इनमें लिखा है उसके अनुसार प्रकट हुए। ये अपौरुष माने जाते हैं, जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं रहता और सना जैसे सूर्य किसी व्यक्ति का नहीं बनाया है, चंद्रमा किसी व्यक्ति का किसी ईश्वर के बेटे का नहीं बनाया हुआ, ऐसे ही वेदों का ज्ञान जो है अपौरुष माना जाता है। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं ये मंत्र आपको सुनाता हूँ। वेद का मंत्र सुनना भी अपने आप में बड़ा पुण्यदायी माना जाता है और वेद वचन के आगे बाकी के सारे पुराण या ग्रंथ या कोई दृष्टांत बबलू हो जाते, बोने हो जाते, वेद प्रमाण होता है। श्री गीता को भी हम इसलिए मानते, कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा इसलिए नहीं मानते, वेदों की बात गीता के द्वारा कृष्ण ने कही, उपनिषदों की बात, तो वेदों से निकली उपनिषदें साधु बाबा लोग जानते हो। तो ये वेद का उच्चारण मैं करता हूं, आप कर सको तो कर लेना। शुक्ल यजुर्वेद तेरा दो तेरवा अध्याय दूसरा, तेरवा मंडल दूसरा अध्याय 29वां श्लोक। ओम मधुवाता, बहुत सार गर्भित माना जाता है वेद का वचन। ओम मधुवाता ऋतयो मधु क्षरन्ति सिंधवाः, मधुवरी संतोषवधि श्री मधु नक्ते मुंतोषयो मधु आत्म पार्थिव राजः, मधु द्योरस्तु न पिता मधुमनो वनस्पतिर मधु माम अस्तु सूर्यम माध्विगारो भवन्तु न। हमारी धूल के कण कण में मधुरता हो, मधु हो, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मधुमय परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो हमारे धूल में भगवान की सत्यता तो हम बुद्धि से समझते हैं, चेतनता भी बुद्धि से स्वीकार कर लेते, लेकिन आनंदता मधुरता की उपासना करनी है, जागृत करनी है। बालू के एक दाने को आप मिटा नहीं सकते, धरती के सब विज्ञानी मिलकर घिस डालें तो पाउडर हो जाएगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा, भांतित्व होना रहेगा, भासमानता और प्रियत्व मधुरता रहेगी। वेद भगवान कहते हैं हमारी धूली के कण कण में मधु, हमारा धूली का कण कण मधुमय हो, हमारे जल के बिंदु बिंदु मधुमय हो, हमारी वायु का स्पंद मधुमय मधुमय हो, एक एक झोंका, हमारी नदियों में मधुमय हो, हमारी गायों में मधुमय हो, रात्रि का ब्रह्मानंद और दिन का विषयानंद, उन दोनों को प्रकाशने वाला शुद्ध मधुमय हमारा आत्मा देता हूं। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को कहा कि भगवान सबसे ठोस
ये चट्टान हो सकती है? बोले ये पत्थर की चट्टान से लोहे की चट्टान अधिक ठोस मानी जाएगी। लोहा अधिक ठोस है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बोले अग्नि लोहे को पिघलाने की ताकत रखता है, मोड़ने तोड़ने की ताकत रखता है। अग्नि से भी कोई और शक्तिशाली चीज है धरती पर? बोले हाँ, अग्नि को बुझाने वाला पानी है, और पानी की ही एक बूंद से व्यक्ति पैदा होता है, न जाने क्या क्या बनता, और सारा बीजों को पानी मिलता है, वृक्ष बनते और सृष्टि के मूल में जल महत्व का हिस्सा रखता है। बोले जल से भी ज्यादा कोई ठोस और शक्तिशाली आवश्यक और विशेष है? बोले हाँ, जल से वायु विशेष है। अगर श्वास न चले तो तुम्हारा रक्त और पानी का संचार आदि क्या है, सबको वायु चलाता है। वायु से भी कोई शक्तिशाली है बनते? बोले हाँ, संकल्प। 10 तारीख को अखबारों में आया कि चूहे का शिकार करने वाला सांप, पिंजरे में रखा चूहा सांप का भोजन, लेकिन सांप चूहे का शिकार करे, न जाने चूहे ने क्या ठान लिया कि आधा घंटा सांप से जूझता रहा और सांप का शिकार कर डाला। मैंने कहा ये मेरे संग में बुद्ध के सत्संग के निमित्त मुझे कहना था, संकल्प में बल है, तो भगवान ने चूहे के द्वारा संकल्प बल का परिचय दे दिया। चूहे ने ठाना कि मैं इसका शिकार नहीं, ये मेरा शिकार, तो सांप चूहे का शिकार हो गया। आश्चर्यकारक बात थी, इसलिए ताइवान की बात यहाँ अखबारों वालों ने छपी और मेरे पास वो अखबार किसी ने पढ़ के भी सुनाई। 10 तारीख अक्टूबर की 2008 ताइवान का, 7-8-9 तारीख को घटना घटी होगी, यहाँ 10 तारीख पहुंच। तो संकल्प में बड़ा बल होता है, तो बुद्ध ने कहा सबसे शक्तिशाली संकल्प है। यहाँ तक की तो उनकी चर्चा हमने सत्संग में सुनाई, लेकिन मैंने मनोमंथन किया कि उससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली तत्व तो होगा। मन के संकल्प से कुछ का कुछ हो जाता है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ से संकल्प चला और जिसकी सत्ता से संकल्प फला और चला और फला और मिटा वो पद, फिर भी जो नहीं मिटा वो संकल्प से ज्यादा बलवान, इसी को बोलते आत्मदेव, परमात्म सत्ता, जिससे जिसके संकल्प मात्र से सृष्टियां होती चलती है, फलती है, व्यवस्था है और सृष्टियां लीन हो जाती है, फिर भी ज्यों का त्यों है, तो संकल्प को बल देने वाला संकल्प से बड़ा है। संकल्प का उद्गम स्थान, संकल्प का प्रकाशक स्थान, संकल्प का साक्षी स्थान और संकल्प को जामा पहराने की सत्ता देने वाला स्थान, उससे बड़ा आत्मदेव है, ऐसा मेरा और शास्त्र सम्मत ये मेरा निर्णय मुझे लगा। तो मैं कल ये बात बताई, मैं नहीं चाहूं तो हाथ उठ नहीं सकता, हाथ 2 नंबर का हुआ, मेरी आज्ञा में चलने वाला। मैं नहीं चाहूं तो गर्दन घूम नहीं सकती, पीछे देखूं ये संकल्प करूंगा तब गर्दन पीछे मुड़ेगी, बोलने का संकल्प करूंगा तब जीभ बोलेगी। तो है तो वही जीभ, शरीर सब भगवान की सत्ता से बना है और भगवान ही जीभ, हाथ पैर और शरीर बनकर देखते हैं। सब में वासुदेव है, ये 2 नंबर की बात है, लेकिन सब वासुदेव है ये 1 नंबर की बात है। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं जो चैतन्य है आत्मदेव वो एक नंबर। बचपन आया चला गया दो नंबर, स्वप्न आया चला गया दो नंबर, दुख आया चला गया दो नंबर, सुख आया चला गया दो नंबर, चिंता आई चली गई दो नंबर, लेकिन उसको जानने वाला जो कहती हूँ एक नंबर। तो वाह इसे एक नंबर दो नंबर की बातों से क्या मिल जाएगा? अरे अनंत फल होगा बेटे। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। ये सतगुरु का ज्ञान है। न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत ना हो वह अनंत फल परमात्मा मिलेगा इस कथाओं से।